तो गाइस ये देखिए इनाया उठ गई है। देखो इनाया पप्पो। देखता ओ गुड मॉर्निंग, है, हम गुड नहीं देखता, हम मॉर्निंग नहीं देखता, हम पूपू। नहीं देखता। गुड मॉर्निंग कह रही है इनाया सबको। क्या हुआ? क्या हुआ? गंदा गंदा मुंह है, नहाया नहीं है बाबू। आ गई कोमल नहाकर और ये ले गई इनाया को उठाकर नहाने के लिए। नहीं ना, पता नहीं ये वाला सॉन्ग सुन के, वो भी जानी जहन का ही, यही वाला सॉन्ग सुन के ना बड़ा मुस्कुराती है। पूरे ध्यान से अभी देखना, ये देखो ये देखो ये देखिए। आया कि एक चुंडी हो गई, अब दूसरी होएगी। दो प्यारी प्यारी चुटिया। ओए इनाया, ओए कुकु कुकु। आज इनाया और इनाया के पापा मैचिंग मैचिंग हो गए। ओ अनु मामा मामा बस लंगड़ो, एक कमी है, बाप भी दो चोटी बनाओ। जल्दी बना भी लो दो चोटियां। एक्साइटेड हो जाओ एक बहुत ही प्यारी चीज देखने के लिए। दो मेरे दो बच्चे ये लीजिए। टन दोनों कितने मैचिंग मैचिंग हो, मेरी दो दो बेटियां। होले होले पालमा, धीरे धीरे साजना। ओ हो, दो दो जरा चुन्नी। उल्ले उल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा उल्ले उल्ले टिंग टिंग इनाया की है दो चुंडी, मेरी भी है दो चुंडी। इनाया की बड़ी बहन गुंडी। टिंग। इनाया की बड़ी बहन गुंडी। कोमल आईलाइनर लगा रही है और लगाने दे रही है, इनाया लगाने नहीं दे रही है। टिकी आई हुई है। लो ऐसे रियो, येरा मच्छर येरा। ओए ये नींबू का पेड़ है, बहुत मोटे मोटे नींबू लगते हैं यहाँ पे। तो मोनू को देखो, अभी ये पकेंगे। मोनू नींबू ले रहे हैं, एक दो हुए नहीं है, ये लो धीरे धीरे होएंगे। वो देखो वो देखो वो देखो, ये दो नींबू लिए मोनू ने। तो आ गई है इनाया अपनी नानी के घर, और नानी अभी सफाइयाँ करवा रहे हैं, डस्टिंग करा रहे हैं। थक गई है इनाया को पानी पीना है। आपने राजमा चावल खाने हैं? आपने राजमा चावल बनाया है? मैं भी राजमा चावल लाई हूँ। ये क्या हो रहा है? सेम सेम चीज़। बट अ कोइंसिडेंस, ये इनाया की मासी आ गई है स्कूल से, और इनाया ने मासी के आते ही मासी के ऊपर छलांग लगा दिया। इनाया आ जाओ बाबू, आ जाओ। मासी को पागल है, मासी को पानी पीने दो, बैग टांगने दो। चिपकी ही पड़ी है, देखो वैसे बैग उतारना पड़ रहा है। इनाया सो गई है थोड़ी देर गुड्डू के साथ ही। इनाया उठ गई है, जबरदस्ती हो रही है गुड्डू के साथ, गुड्डू को भी उठा रही है। खुद की तो नैप थोड़ी देर की होती है, 15 मिनट की मुश्किल से। तो गाइस अभी मैं एक बार घर जा रही हूँ, क्योंकि इनाया ने ना अपने कपड़े बहुत गंदे कर लिए हैं, तो उसके ड्रेस उठाने जा रही हूँ। और दूसरा मम्मी के घर पे आज कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो अपने भी कपड़े चेंज करके आऊँगी मैं। बट मुझे आलस इतना है ना कि मेरे को कपड़े निकालने में भी आलस है, तो जो मैंने कोट सेट डाला था ना कल, उसी की शर्ट डालाऊंगी, और नीचे पैंट तो मैंने डाली ही हुई है। 5 मिनट में मैंने अपने घर का काम कर लिया, फिर इनाया के लिए मैंने नाइट वेयर उठा लिया है, ताकि फिर इसी को उसको इसी में सुला दूँगी, क्योंकि उसको आते ही ना बहुत तेज़ नींद आ रही होती है। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैंने कॉट सेट की शर्ट डाल ली, और नीचे मैंने पैंट डाली हुई थी, जो वही पैंट डाली हुई है। अपना सब चलता है भैया, अपना सब चलता है। टॉफीज का पैकेट लिया है, और ये मैंने अपने लिए कुछ टॉफीज लिया, और साथ में सैंडविच फ्रेश भी लिया दीदी के पैसों से। दीदी के पैसों से क्या, तो पूरा एटीएम लेके जा रही है अपने साथ। और अब हम जा रहे हैं घर, और ना पता क्या,
मैंने बताया था ना कि मम्मी बरसाना गए थे 2 दिन के लिए, तो आज सारे वही लोग आ रहे हैं जो मम्मी के साथ बरसाना गए थे, तो उन्होंने घर को भी अब बरसाना ही बनाना है, थोड़ा भजन कीर्तन करेंगे वो लोग आके, तो मम्मी प्रसाद भी बना रहे हैं, इसीलिए ये टॉफी ली है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जैसे हम स्कूल में करते थे ना हैप्पी बर्थडे वाली टॉफी लेके जाते थे, और मैंने किसमी की टॉफी ली है, किसमी की। बाय एंड मिस सॉन्ग। हाँ, किस में क्लोज योर आईज एंड मिस मी, आई कैन रीड योर लिप्स एंड योर फिंगरटिप्स एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। मेरा हाथ थक गया, ये तो उसकी है डेयरी मिल्क की। मुझे पता था ये उठ गया होगा मेरा बेटा, मुझे पता था उठ गया होगा। मम्मी आपने हलवा बनाया है, घर के बाहर तक खुशबू आ रही है, गेट खोला खुशबू आ रही थी। गुड्डू कहते हैं मम्मी ने हलवा बना दिया पक्का, चलो हम हलवा दिखाते हैं आपको। ये रहा हलवा जिसकी खुशबू बाहर तक आ रही थी। मम्मी मैं भोग लगाऊंगी और इसको ये सुच्चा हो जाएगा। मेरी बात सुनो, घर की बेटी लक्ष्मी होती है ना, होती है ना, मुझे भी टेस्ट करना है। इतने सवाल जवाब मेरे को नहीं आते। घर की बेटी लक्ष्मी होती है ना गुड्डू, मुझे भी टेस्ट, लक्ष्मी होती है ना घर की बेटी, तो क्या लक्ष्मी भोग नहीं लगा सकती। तो यहाँ पे दीदी नाया के कपड़े चेंज कर रहे हैं, कपड़ों का हाल देखा था क्या कर रखा था वो वाले। हो गई आई नाया दीदी रेडी। बस जी भगी मासी को मेरा बहुत मन कर रहा था मैगी खाने का, वैसे तो मम्मी ने ये बनाया हुआ है, देखिए मम्मी ने वैसे ये बनाई हुई है। आई 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 बड़ी गर्म है, दाल वाली खिचड़ी। ये प्रसाद बनाया मम्मी ने जो इनके गेस्ट आ रहे हैं ना सत्संग करने, उनके लिए, और हलवा। तो अभी तो हमें अलाव नहीं है ये खाना जब तक इसका भोग नहीं लगता। क्या डाला अभी तूने? अभी बस मैगी डाली है। ओके, ये चॉपस्टिक से कौन बनाता है मैगी? मैं चॉपस्टिक से ही बनाती हूँ, चॉपस्टिक से ही। याओ, मसाले डल रहे हैं गाइस। मुझे ना कमेंट्स में बताना कि आपको सिंपल मैगी पसंद है या वेजिटेबल्स वाली पसंद है, वो प्याज टमाटर का तड़का डाल के। मुझे तो सिंपल पसंद है मुझे मैगी। और तुझे? चटकोरे है ना हम, चटकोरे चटकोरे। यहाँ बार बार मैं इनाया को भी चेक करने आ रही हूँ, वो सो रही है, और बार बार मैं उधर जा रही हूँ किचन में, और बार बार उधर जा रही हूँ। वैसे व्लॉग के चक्कर में ना घूम चक्कर बन गई हूँ। अब ये क्या डाल रहे हो आप? Oh my God, red chili sauce. ये पास्ता पिज़्ज़ा सॉस। इन कर सकते हो कितनी टेस्टी बनेगी मैगी, बहुत। बाकी बहुत अच्छी बनाती है इसकी हाथ की मैगी, मुझे भी बहुत पसंद आती है। ये क्या है? मेयोनीज़। चलो आप भी ऐसे बना के देखना, क्वांटिटी आपको दिख ही रही है कितनी कितनी ये डाल रही है। हाथ ही सड़ गया मेरा। ये डला एक्स्ट्रा मैगी मसाला। ऑर्गेनो भाई हल्का सा डाल, बस बस। गाइस देख रहे हो ये कितनी चाटो है, कितनी ज्यादा चटकोरा है। मैंने सोया सॉस डाली ना, मैंने सेजवान सॉस डाली, वो भी डालती है तू। ये हो गई है मैगी रेडी, रेड रेडी। क्या कलर एक नंबर लग रही है। मैं तो चॉपस्टिक पकड़ना सिखाएगी, कैसे पकड़ते हैं ये बता। अब इसको ओपन करो, इन फिंगर्स। हाँ ऐसे ही ओपन करो, इसको बंद तो करो ना। बंद कैसे है? कि अपनी उंगली उठाओ ना। अच्छा, और ऐसे खोल के खा के देखो अपन। मेरे किसी को खा रही हूँ वैसे। अपने कैसे खाओ? इसे पकड़ा ऐसे बंद, ये देखिए इक्वल करो पहले इसको, ऐसे बंद किया, बंद नहीं हुआ ये। खा के देखती हूँ, गरम है, मज़ा आया ना। चल दे दो। एक एक दाने में इतना मज़ा आया ना, मैं कह रही हूँ आप ऐसे बना के देखना, ब्लॉग को बैक करके देख के ऐसी ही सेम रेसिपी से मैगी बना के देखना, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया।
ये किस लिए? ये अच्छा होता है। किस लिए? बस रील्स में देख लिया और लगाना शुरू करा। अच्छा, अच्छी होती है। बता दो इसका बेनिफिट। चाटा पड़ गया ना, ऐसा गलो है। आपको ना समझ नहीं आ रही। बता दो आइस क्यों लगा रही है? ये एक्चुअली एक्स्ट्रा फैट हटाता है आपके फेस। क्या हटाता है? एक्स्ट्रा फैट। एक्स्ट्रा फैट, हे भगवान। हाँ मैं बताऊँ, आइस फेशियल करने से ना एक रिफ्रेशमेंट मिलती है स्किन को। स्किन आपकी फ्रेश हो जाती है। जब स्किन फ्रेश होएगी, स्किन में से थकावट ख़त्म हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ग्लो आएगा। आइसिंग अच्छी होती है स्किन के लिए। और सेकंड, आइसिंग करने से हमारे जो स्किन के पोर्स हैं ना, वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो आप क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे पास तेरे जितना वेला टाइम नहीं है। गाइस मोनू आ गए और हमारी इनाया अभी अभी उठी है जस्ट, और मम्मी का बाहर सत्संग चल रहा है घर में ही, ऐसे ही मतलब ये गेट टुगेदर है। किट्टी सत्संग है। हाँ किट्टी सत्संग। किनारे के नानू आ गए। किनारे के नानू ना बहुत शर्माते रहते हैं, सारा दिन शर्माते हैं। गाइस वहाँ पे ना बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो मैं गुड्डू को चैलेंज दे रही हूँ। गुड्डू तू वहाँ जा और उन लोगों का थोड़ा सा ब्लॉग बना के ले आ जा, जाके दिखा दे। क्या आप ये चैलेंज पूरा कर पाएंगे? आई स्पेशल का ग्लो तो बहुत अच्छा है। चैलेंज दिया है, अब मैं वो पूरा करने जा रही हूँ। और बाहर आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, तो मैं पहले यहीं से बोल रही हूँ, मैं आप उनकी वीडियो बनाऊंगी और आपको सब बताती हूँ। ड्रैगन फ्रूट चेंज वेंज कर चुके हैं, तो ब्लॉग को एंड करते हैं मोनू के सॉन्ग के साथ। सुना दीजिए सेक्सी लेग्स। दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, जमाने भर की बातें उनसे कह दी, जमाने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। ये तो गाइस बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ब्लॉग करते हैं एंड विद दिस क्यूटी फेस। बाय।